हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 3 एग्जाम आज हुआ है, जिसमें एसए में टॉपिक पूछा गया था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। और जो लेटर का टॉपिक पूछा गया था वो था राइट अ लेटर टू मैनेजर जीडी रेस्टोरेंट कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से टॉपिक दोनों पूछे गए, कुछ भी नया नहीं आया, कोई भी करंट का टॉपिक नहीं पूछा गया। ठीक है, मैंने भी आपको एक एसेज की लिस्ट दी थी पूरी की पूरी, तो उसमें जो मेरे 6 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे उनमें से नहीं आया, लेकिन जो पूरी लिस्ट थी उसमें एजुकेशन सिस्टम सोशल इशूज में मैंने डाला हुआ था कि उसके बारे में प्रैक्टिस करके जाना, मैंने आपको कहा था। तो वही है कि अब उसके ऊपर आया है, लेकिन थोड़ा सा हटके टॉपिक रहा और इसके बारे में सबको पता ही होगा। ठीक है, अगर आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करी है तो आपने अच्छा यहाँ पे लिखा होगा। बाकी अब ये है कि पेपर ख़त्म हो चुका है तो ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी। आपको भी पता है डिस्क्रिप्टिव में चेकिंग कैसे होती है। ठीक है, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है, तो ज़्यादा डिस्कशन करने से आपके मार्क्स भी नहीं बढ़ेंगे। तो अब आपको आगे का सोचना चाहिए कि अगर आपके सीजीएल 2018 में आपको लगता है कि आपको मनचाही पोस्ट मिल जाएगी तो अच्छी बात है। ठीक है, आप टीयर 4 की तैयारी में लग जाओ। अगर आपको लगता है कि सीजीएल 2018 से शायद मनचाही पोस्ट ना मिले तो आप डायरेक्टली आप सीजीएल 2019 की प्रिपरेशन कर सकते हो। टीयर 4 में ज़्यादा कुछ नहीं होता, टाइपिंग होती है आपकी, पावर पॉइंट आएगा, ठीक है, एक्सेल आएगा, जिसमें दिन का आप 1 घंटा भी अभी से निकाल लोगे अगर आप तक कोई भी तैयारी नहीं करी है तो भी आप आराम से कर पाओगे। टीयर 4 का एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, देखो 3 महीने तो इसकी चेकिंग होने में ही लग जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आपका टीयर 4 होगा, उसका एडमिट कार्ड आएगा, तो आप ये मान के चलो लगभग अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं जाके आपका टीयर 4 एग्जाम होगा। ठीक, तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आप आराम से पूरा दिन लगा के एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तब भी टीयर 4 की तैयारी कर पाओगे, थोड़ी बहुत टाइपिंग करते रहना। कल सुबह 10 बजे एक वीडियो आ जाएगी जिसमें एसएससी सीजीएल टीयर 4 के बारे में बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। जो पिछले साल पैसेज पूछा गया था 2017 में वो भी दिखा दूंगा, एग्जैक्ट पैसेज दिखा दूंगा, आरटीआई के थ्रू कॉपी मंगा लिया मैंने। ठीक है, पीपीटी में क्या पूछा गया था वो भी दिखा दूंगा, और साथ ही साथ एक्सेल की शीट भी दिखा दूंगा कि क्या पूछा गया था और वो किस तरह से चेक की जाती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कल सुबह 10 बजे आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। अभी आपसे यहीं विदा लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।